कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टिकरण के लिए दिया गया बयान है। और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो, औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते? कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। आपने कांग्रेस के शाहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शाहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शाहजादे को पता है क्या मैसूर राजघराने का योगदान? उनको याद नहीं रहा? मैसूर राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है? साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टिकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को तो बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है। और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो, कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते? जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया, कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की? इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।